बीते मंगलवार को विपक्षी दलों ने बेंगलुरु में धूमधाम से INDIA यानी इंडिया का ऐलान किया। इस ऐलान के बाद ये माना गया कि अब विपक्षी एकता मजबूत हो चुकी है और बीजेपी के नेतृत्व वाली NDA को हराने के लिए तैयार है। लेकिन बैठक के खत्म होते ही ऐसी रिपोर्ट सामने आने लगी कि अब लग रहा है कि अभी तो भानुमती का कुनबा जोड़ा ही नहीं था कि ईंट और रोड़े अलग होने लगे। जी हाँ, विपक्ष के कई दलों को लेकर अब ये खबरें आ रही हैं कि वो बेंगलुरु में हुई बैठक से खुश नहीं हैं। इसके अलावा बैठक के तुरंत बाद ही इस नए गठबंधन के नाम इंडिया को लेकर भी क्रेडिट की मार शुरू हो गई है। कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी ने ये नाम सुझाया है, तो आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं कि उन्होंने ये नाम दिया है, जबकि तृणमूल कांग्रेस वालों ने भी इस नाम पर अपनी दावेदारी ठोक दी है। ये तो बस शुरुआत है इस वीडियो की, जिसमें हमने आपको इस गठबंधन में फूट के संकेत का एक उदाहरण दे दिया है। अभी आगे और भी उदाहरण दिए जाएंगे, जिससे आप ये अंदाजा लगा पाएंगे कि किस्सा आखिरकार है क्या। पहले बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री के चेहरे की। अभी तक किसी दल ने खुलकर प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए दावेदारी पेश नहीं की है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कह दिया है कि वो प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए दावेदारी नहीं पेश करेंगे। ऐसे में प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, ये पता कर पाना मुश्किल है। विपक्षी दलों में अभी भी सबसे बड़ा रुतबा कांग्रेस का ही है। ऐसे में कांग्रेस अगर प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं पेश करेगा तो कौन होगा? तो वहीं TMC सांसद शताब्दी रॉय ने कहा कि अगर कांग्रेस प्रधानमंत्री नहीं बनाना चाहता तो TMC की तरफ से ममता बनर्जी विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री का चेहरा होंगी, यानी कि TMC की तरफ से प्रधानमंत्री की कुर्सी पर दावेदारी ठोक दी जाएगी। पहले नीतीश कुमार का भी नाम प्रधानमंत्री की रेस में आया था, लेकिन बाद में उन्होंने खुद मना कर दिया, वो इस रेस में नहीं है। इसके बाद राहुल गांधी को लेकर भी कयासबाजियां लगातार चल रही हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी का एक केस है जो उनके चुनाव लड़ने और एक्टिव पॉलिटिक्स का भविष्य तय करेगा। इधर विपक्ष की तरफ से एक खास पैनल बनने वाला है जिसमें 11 सदस्य होंगे। यही 11 सदस्य कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, नेताओं का कार्यक्रम, आंदोलन की प्लानिंग, तैयारियों की प्लानिंग, साथ ही साथ सीटों का बंटवारा किस तरह से रहेगा और कार्यकर्ताओं का मैनेजमेंट क्या रहेगा, ये सब तय किया जाएगा। इधर प्रधानमंत्री का चेहरा भी यही पैनल तैयार करने वाला है। अब इस पैनल में किस दल को जगह मिलेगी और किसे नहीं, ये भविष्य के गत में है। इसके अलावा किस दल के कितने सदस्य होंगे, इसके अलावा ये भी कि अभी चेकआउट नहीं हुआ है। कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे इसमें होने वाले हैं, अभी तक ये जानकारी है। इसके अलावा सभी दलों की कोशिश ये है कि वो इस 11 सदस्य वाले पैनल में जगह बना ही लेंगे, ये कैसे संभव होगा ये भी देखने वाली बात रहेगी। चलिए बात करते हैं नाराजगियों की। ये खबरें हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बेंगलुरु में हुई बैठक से नाराज हैं। दोनों ही विपक्ष की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर नहीं आए और बैठक खत्म होते ही बिहार वापस लौट गए। ये अब कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को इस बात की आस थी कि उन्हें नए विपक्षी गठबंधन का संयोजक नियुक्त किया जा सकता है, जो हुआ ही नहीं। इधर पटना में हुई बैठक में नीतीश के हौसले बुलंद किए गए थे, क्योंकि यहाँ पर नीतीश को संयोजक बनाए जाने की सुगबुगाहट तेज थी। इसके अलावा सिटिंग अरेंजमेंट में भी नीतीश को सेंटर स्टेज नहीं मिला। यही वजह है कि बिहार पहुंचने के बाद भी नीतीश कुमार ने मीडिया से दूरी बनाए रखी और इस मुद्दे पर JDU खुलकर कुछ भी बोलता हुआ नजर नहीं आया। इसके अलावा खबर तो ये भी है कि नीतीश कुमार को गठबंधन का नाम इंडिया पसंद ही नहीं आया था। लालू प्रसाद यादव भी इस मुद्दे पर चुप हैं। तो वहीं नीतीश और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव चाहते थे कि आज की बैठक में भी पैनल के संयोजक का नाम घोषित किया जाए। ऐसा नहीं होने पर कथित तौर पर ये नाराज हो गए। बिहार BJP के बड़े नेता सुशील मोदी ने कहा कि विपक्ष में दूल्हे के सजने से पहले ही फूफा लोग नाराज हो गए हैं। तो वहीं विपक्ष के सामने अब नेताओं को मनाने और एकजुट रखने के अलावा भी कई बड़ी चुनौतियां हैं, जिसमें सबसे बड़ी चुनौती सीट शेयरिंग को लेकर। उत्तर प्रदेश में जहां समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन फेल हो चुका है, तो वहीं अब सपा को बड़े भाई का रोल देना कांग्रेस के लिए दुखदायी होगा। ऐसे में पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो वहां पर एक छत्र राज करने वाली ममता बनर्जी क्या कांग्रेस और CPM के लिए लोकसभा सीटें छोड़ेंगी? बात केरल की तो वहां पर खून की प्यासी लेफ्ट पार्टियां क्या कांग्रेस के लिए सीटें छोड़ पाएंगी? क्या पंजाब में कांग्रेस को पटकनी देने वाली आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ एक रथ पर सवार होंगी? क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस को साथ ले पाएगी? तो वहीं 26 सदस्य वाले इस इंडिया गठबंधन में चुनौतियां तो साफ तौर पर दिख रही हैं।
अभी तो सीट शेयरिंग फॉर्मूला भी निकालना है, क्षेत्रीय दलों को संभालना भी है, जबकि संयोजक नियुक्त करना, पैनल बनाना और सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को परास्त करने के लिए प्लान बनाना है। लेकिन इन सब के बीच इस गठबंधन में मनमुटाव नजर आने लगा है। अब इस गठबंधन की अगली बैठक मुंबई में होनी है। मुंबई के मंथन से क्या निकल कर आता है ये देखना दिलचस्प रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए और बने रहिए टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के साथ।